गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लेंस के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन लेंस जो इमेज बनाता है, जो लेंस अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, वो एक इमेज नहीं बनाता है, वो इन्फिनाइट इमेज बनाता है एक साथ। लेकिन जब हम लोग लेंस को यूज करते हैं, तो वो जो लेंस पढ़े हो अभी तक, उस लेंस को यूज करते नहीं हैं, क्योंकि उसमें एवर्शन होती है, दोष होती है कि एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका इन्फिनाइट इमेज बना देता है वो। उस दोष को हम लोग एवर्शन कहे थे। दो तरह का एवर्शन था, एक क्रोमेटिक एवर्शन था और एक था मोनोक्रोमेटिक एवर्शन। और अभी हम लोग का क्रोमेटिक एवर्शंस चल रहा था। उस क्रोमेटिक एवर्शंस को दूर करने के लिए एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस हम लोग पढ़े थे, कि दो अपोजिट नेचर वाले लेंस को इस तरह से सजाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बने, और वो जो इन्फिनाइट इमेज कोई लेंस बनाता है, वह दोष दूर हो जाए। हम लोगों ने पढ़ा था एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया था। अभी उसका कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, तो हेडिंग लगाएंगे कंडीशन फॉर एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अवर्णक संयोजन के लिए शर्त, क्या शर्त है, इस पर हम लोग चलेंगे। कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए भाई, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस के लिए दो अपोजिट नेचर का लेंस चाहिए, जिसको कि सटा के भी रख सकते हैं और हटा के भी रख सकते हैं। ओके, सटा के भी रख सकते हैं और हटा के भी रख सकते हैं। केस फर्स्ट पहले देखते हैं। व्हेन लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट, जब लेंस संपर्क में होते हैं या संपर्क में है, जब लेंस संपर्क में है, यानी दो लेंस जब किसमें है, संपर्क में है। तो ध्यान से देखिए, सपोज दैट एक लेंस ये है और आपको बताए ही थे, आप जानते भी हैं, इससे पहले वाला वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी होगा, तभी ये समझ में आएगा अच्छे से। एक कॉन्वेक्स ले लिए, दूसरा कॉनकेव, ये इसका एपर्चर है और ये इसका एपर्चर है। ठीक है, हमको लगता है इस जगह बनाना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चमकता है, इसलिए हम यहाँ बना रहे हैं। एक लेंस ये है, ठीक है, इसकी एपर्चर ये है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और दूसरा लेंस हम ले लिए कॉनकेव लेंस है ये, और इसकी अपर्चर ये है। आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, लाइट आया, पैरेलल लाइट,
इधर से भी आया। आपको पता है कि जब इस तरह के लेंस से जब गुजरता है तब ये मोड़ा रेड को, ये मोड़ा वायलेट को, फिर ये फैलाया थोड़ा सा इसको, फिर ये ज़्यादा फैला देता है और एक ही पॉइंट पर आके मिलता है। ये वाइट लाइट है, ये भी वाइट लाइट है और ये फाइनल यहाँ आके टच हुआ। फिर ये थोड़ा सा मोड़ा रेड को, ज़्यादा मोड़ा वायलेट को, ये थोड़ा फैलाया रेड को, ये ज़्यादा फैला दिया वायलेट को, फिर ये यहाँ मिला। तो यहाँ वाइट लाइट है, यहाँ पर डिस्पर्शन हुआ, सात रंगों में बढ़ता है, लेकिन फिर से ये वाइट ही बनकर यहाँ पर आता है। और इस जगह पर जो फोकस हो गया, जो येलो कलर का फोकस है, वही इस दोनों का इक्विवेलेंट है। इस दोनों का, दोनों, इसका अपना फोकस है, इसका अपना फोकस है। मान लीजिए इसका फोकस F2 है, इसका फोकस F1 है, इसकी डिस्पर्सिव पावर ω1 है और इसका डिस्पर्सिव पावर ω2 है। लेट, सबसे पहले मान लेते हैं, लेट मतलब माना F1 जो है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, और F2 जो है वो मान लेते हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो अच्छी बात है, ω1 डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल रियल ऑफ कॉनवेक्स लेंस। आपको बताए थे लेंस का डिस्पर्सिव पावर ना होता है, उसके मटेरियल का होता है। यानी हिंदी हो गया इसका उत्तल लेंस के पदार्थ का विक्षेपण क्षमता, मतलब डिस्पर्सिव पावर। और ω2 जो है ये है आपका डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ कॉनकेव लेंस अवतल लेंस के पदार्थ का, अवतल लेंस के पदार्थ का विक्षेपण क्षमता। और इस दोनों का इक्विवेलेंट जो है, इस दोनों लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉनवेक्स एंड कॉनकेव लेंस उत्तल
एवं अवतल लेंस के समतुल्य फोकस दूरी, ये सब चीज़ हम लोगों ने मान लिया और यह तो हम लोग जान ही रहे हैं। जब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है, जब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है तो अगर व्हाइट लाइट जाएगा तो लेंस के अंदर में सात रंगों में ज़रूर मिलता है, बिट बट जाता है। अगर सात रंग की लाइट वाला मिक्सअप कलर गया हो, अगर दो ही रंग वाला जाएगा दो रंग में बिखरेगा, लेकिन लेंस के बाद बाहर जब निकलता है तो वो एक ही फोकस बनाएगा, तभी तो दूर होगा। क्योंकि वो जो अनंत इमेज बनाता था कोई भी लेंस, उसी को दूर करने के लिए एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस हम लोग करते थे। उसकी कंडीशन हम लोग को पढ़ना है, उसके लिए हम लोगों ने ये सब कुछ मान लिया कि लेंस अभी कॉन्टैक्ट में है। फिर लेंस दूर भी रखकर दूर किया जा सकता है, दोनों कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। बारीकी से देखना, सो मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और यह टॉपिक अच्छे अच्छे टीचर को पढ़ाने में पसीना चूता है, इसलिए आप लोग भाग्यवान हैं कि हमारे हम जैसे टीचर के संपर्क में हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ अकॉर्डिंग टू सिलेबस 0 to J लेवल तक आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक है, यही सब चीज़ पढ़ने के लिए लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि सिंपल टीचर ये सब चीज़ पढ़ा नहीं पाते हैं। वो केवल उतने सब बताते हैं जो स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट्स को दिमाग लगाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं हो। संजोग से बोर्ड एग्ज़ाम हल्का ले रहा है, संजोग से वो बिहार बोर्ड, इसीलिए बच्चे पास कर जाते हैं, ध्यान देना। चलिए ये सब बकवास बंद करते हैं, हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो हम लोग जानते हैं, वी नो, हम लोग जानते हैं पीछे का टीचर का काम क्या है। ध्यान से देखिए, टीचर का काम क्या है, टॉपिक को एकदम इन डिटेल समझा देना, याद रखना स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है, रटना नहीं, याद रखना। याद तो आपको रखना है, आप जितना याद रखोगे उतना सक्सेस करोगे। टीचर का काम है कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज को टू द पॉइंट पढ़ाना और समझा के पढ़ाना, ना कि लिखा देना। टीचर का यही दायित्व है और स्टूडेंट्स की दायित्व है उसे याद रखना। ठीक है, याद टीचर नहीं करवा सकता है, वो डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पर, आप कितना मेहनत करते हो। कहीं आपसे ज़्यादा हम ही मेहनत करते हैं, हम तो सब चीज़ पढ़ाते भी हैं आप लोग को, आप उतना भी इतना भी जितना हम लोग मेहनत करते हैं, टीचर मेहनत करता है उतना स्टूडेंट कर ले तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। करने की कोशिश कीजिए, जनरल स्टूडेंट तो नहीं ही कर पाता है, तो उसके लिए आप लोग को शॉर्ट फिजिक्स पढ़ा भी रहे हैं। तो आप एफ इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो इसके लिए कॉन्टैक्ट में जब रहता है तो एफ वन प्लस एफ टू होता है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है, इसके बाद हम इधर लिख रहे हैं। तो इसी चीज़ को आप एफ इक्विवेलेंट को केवल ई से दिखा रहे हैं। ठीक है, इन्वर्स भी लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं एफ वन का इन्वर्स और इसको लिख सकते हैं एफ टू का इन्वर्स। यहाँ तक कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नहीं करना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हुआ एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलित करने पर। तो अच्छी बात है, तो जल्दी से हम हट रहे हैं, ये सब बोलते भी जाते हैं, मानते हैं ये चमक रहा है, तो उतना बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। वो चमका हुआ चीज़ हम बोल दे रहे हैं, आप सुनकर लिख सकते हो, आगे पीछे करके ये सब लिखो। ओके, तो आई होप आपने ये लिख लिया, हम ऐसा मान रहे हैं और हम इसको मिटा रहे हैं।
पॉज करके लिखता है बच्चा। चलिए यहाँ से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाय डी एक्स किसका करना है, एफ इक्विवेलेंट इनवर्स का, इज इक्वल टू, इधर भी डिफ्रेंशिएट करना है डी बाय डी एक्स एफ वन इनवर्स का, और इधर भी डिफ्रेंशिएट करना है डी बाय डी एक्स एफ टू इनवर्स का। अच्छी बात है। तो चलिए सर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एफ ई वन बाय डी एफ ई इंटू डी एफ ई बाय डी एक्स। कुछ नहीं किए हैं बच्चों, ये है ऊपर में तो देखो यहाँ भी है डी एक्स है तो यहाँ भी है एक्स्ट्रा डी एफ ई और ऊपर में भी डी एफ ई, गुना भी किए तो भाग भी दिए, ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा। ऐसा इसलिए किए, ध्यान से देखिए, डी एक्स टू द पावर एन डी एक्स, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होता है तभी फार्मूला ये वाला लगता है। अगर ऐसा रहा डी एक्स टू द पावर एन डी वाई, तो इसके लिए सबसे पहले डी एक्स टू द पावर एन अपने मन से डी एक्स इंटू, मैथ जो पढ़े होंगे उसको इस तरह से बताया गया होगा। डी एक्स वाई डी वाई इस तरह से किया जाता है, यानी अपने मन से डी एक्स से गुना भी कर दिए, ऐसा आ गया तो ये फार्मूला लगेगा, एक्स्ट्रा में ये बच जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो ये बाय ये। ओके, फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसी टाइप से किया जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है, इट इज द सिंपल मैथमेटिक्स। आई होप ये लिख लिया, ये भी हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज आपको समझा रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक समझें, कंसंट्रेट होके। इस चीज को भी हमने उसी टाइप से लिखा, डी एफ वन इंटू डी एफ वन बाय डी एक्स, फिर प्लस इधर भी लिखा डी एफ टू इनवर्स बाय डी एफ टू इंटू डी एफ टू बाय डी एक्स, किसी कोई दिक्कत नहीं है। डी एक्स डी एक्स डी एक्स हर जगह है, कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एन आगे आ जाएगा, बार बार एक ही चीज़ को कितना बताएंगे, डी एक्स टू द पावर एन डी एक्स का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है, तो एन आगे आ जाता है, एन आगे आ जाता है, तो आ गया एन आगे, एफ ई एन, एन का मान माइनस वन, माइनस क्या होता है फिर वन, तो वन दे दिए, और इधर क्या आ गया डी एफ ई, और इधर हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन, उसी टाइप से एफ वन का माइनस वन इंटू इस जगह डी एफ वन प्लस यहाँ पर भी माइनस वन, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस वन, चूँकि ये वाला माइनस आ गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एफ टू माइनस वन और इधर डी एफ टू। चलिए हमारे समझदार बच्चों, माइनस एफ ई पर पावर माइनस टू डी एफ ई इज इक्वल टू माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर ही होता है एफ वन माइनस टू डी एफ वन माइनस एफ टू पर माइनस टू डी एफ टू, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको लग रहा होगा चमक रहा है, तो एकदम बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन है।
तो ये चीज को माइनस वन बाय नीचे लाएंगे तो एफ ई का स्क्वायर और इधर डी एफ ई। दिक्कत हो तो कमेंट में पूछो, नहीं तो एकदम आसानी से बनेगा। जिसको नहीं आता डिफरेंशिएशन तो क्या कहें आप, हम तो मैथ पढ़ाने वाले नहीं हैं, फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर हैं। तो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर वन बाय एफ ई का स्क्वायर डी एफ वन और यहाँ पर माइनस वन बाय एफ टू का स्क्वायर डी एफ टू। तो बच्चों माइनस माइनस कॉमन ले ख़त्म हो जाएगा। डी एफ ई बाय एफ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे डी, ये सॉरी यहाँ एफ वन है, डी एफ वन बाय एफ वन का स्क्वायर प्लस डी एफ टू बाय एफ टू का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बच्चों ध्यान दो, फॉर ए क्रोमेटिक, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एक कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, फॉर ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक क्रो ये चेंज इन फोकल लेंथ है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए। सारे को क्या करता है, जब एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन से भेजे व्हाइट तो निकलना भी क्या चाहिए, व्हाइट ही निकलना चाहिए। यानी फोकस जो पहले जो बनता था बहुत जगह पर वो बदलता था फोकस, लेकिन अभी बदलेगा नहीं। इसका मतलब ये जो चेंज इन एफ ई जो है, यानी डी एफ ई में जो बदलाव है वो जीरो होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं, या लिख देते हैं यहाँ पर। और वर्णक संयोजन के लिए, और वर्णक संयोजन के लिए डी एफ ही वो एकदम जीरो होना चाहिए। इसका मतलब जीरो बाय एफ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ वन बाय एफ वन का स्क्वायर प्लस डी एफ टू बाय एफ टू का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है बाबू। तो आई होप आपको क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है, हम ऐसा मान रहे हैं। ध्यान दीजिएगा तो निश्चित आएगा, ये जीरो है तो हमने यहाँ पर जीरो लिख दिया, या इसको सजा के भी लिख सकते हैं, डी एफ वन बाय एफ वन का स्क्वायर प्लस डी एफ टू बाय एफ टू का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो फटाक से लिखिए इसको। चमक रहा होगा तो फिर भी आप लिख लीजिए, देख के किसी तरह से एडजस्ट कीजिए। हम ढकना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं लाइट को, दिखाई दे देगा, नहीं चमकेगा, नहीं चमकेगा। आगे चलते हैं। और बट आपको पढ़ाए थे डी एफ बाय एफ इज इक्वल टू ओमेगा, पढ़ाए थे कि नहीं बाबू, इसलिए तो इसको लिख सकते हैं इसे डी एफ वन बाय एफ वन इंटू एफ वन प्लस डी एफ टू बाय एफ टू इंटू एफ टू इज इक्वल टू जीरो। डी एफ बाय एफ को ओमेगा कहते हैं, डी एफ वन बाय एफ वन को ओमेगा वन कहेंगे, बाय एफ वन प्लस ओमेगा टू बाय एफ टू इज इक्वल टू जीरो। इट इज द कंडीशन, क्या है ये, इट इज द कंडीशन, कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन व्हेन
टू अपोजिट नेचर ऑफ लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट। यह जब दो विपरीत प्रकृति के लेंस एक दूसरे के संपर्क में है तो अवर्णक वर्णक संयोजन के लिए यही शर्त होना चाहिए। तो आपको पता है, देखिए इस पर एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आप पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से फटाक से। देखिए फटाक से एक न्यूमेरिकल्स इस पर बनाएंगे और विजन क्लियर हो जाएगा। इंक नहीं है अभी हमारे पास अवेलेबल, इसलिए मैं हिंदी बोलूँगा, आप लिख लीजिए। पहले इंग्लिश में पढ़ देते हैं एक बार। इफ़ ए डिस्पर्सिव पावर ऑफ वन लेंस ऑफ मटेरियल इज 0.4 एंड अदर लेंस ऑफ मटेरियल 0.6, वी हैव टू मेक ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ बोथ लेंसेस फॉर ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट। लिखिए हिंदी लिखाता हूं। अगर एक लेंस के पदार्थ का विक्षेपण क्षमता 0.4 है तथा दूसरे लेंस के पदार्थ का 0.6 है, तो 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले लेंस बनाने के लिए दोनों लेंसों की फोकस दूरी क्या होगी, ओके, जब दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में अवर्णक संयोजित हो, समझ में आ गया आपको? यानी बच्चों देखिए, इसमें आपके पास गिवन है क्या क्या, ओमेगा वन फर्स्ट लेंस का 0.4, ओमेगा टू सेकेंड लेंस का 0.6, उसके बाद आपको इक्विवेलेंट फोकस कितना चाहिए, 30 सेंटीमीटर आपको निकालना है क्या, F1 इज इक्वल टू उहाट, फिर F2 इज इक्वल टू उहाट, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना F1 और F2। तो आप जानते हैं फॉर ए क्रोमेटिक कंडीशन,
के लिए अभी तुरंत सीखे, ओमेगा 1/F1 प्लस ओमेगा 2/F2 इज इक्वल टू 0। अच्छी बात है, पुट कीजिए। ओमेगा 1 आपके पास 0.4 है, / F1 निकालना है पता नहीं है, ओमेगा 2 0.6 है निकालना है, इतना बराबर 0 मान लो इक्वेशन फर्स्ट। और चूंकि जानते हैं एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, या ये भी जानते हैं 1/F1 + 1/F2 इज इक्वल टू 1/F इक्विवेलेंट, ये भी जानते हैं दोनों का ये होना चाहिए, डिवाइड कर दो। डिवाइडेड इक्वेशन इस तरह से डिवाइड करें कि कट जाए, सॉल्व करना इक्वेशंस को, इसमें गुना कर दो। समीकरण डिवाइड करने से नहीं होगा, समीकरण समीकरण है सॉल्व करना है, समीकरण सेकेंड में 0.4 से दोनों तरफ गुना करके फर्स्ट में घटाने पर, ये सब समीकरण बनाने का रूल है, सिंपल मैथमेटिक्स है, बचपन क्लास का सभी लोग परिचित हैं, हमको विश्वास है इतना। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन आपका 0.4/F1 + 0.6/F2 = 0, इसमें 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिए, / F1 + इसमें भी 0.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ करना है, / F2 = 0.4/F इक्विवेलेंट। बच्चों और एफ इक्विवेलेंट दिया भी है 30 सेंटीमीटर, एफ इक्विवेलेंट दिया भी है, नहीं लिख पाए, चलो यहीं पर लिख देते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर है, तो घटा भी देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये और ये कैंसिल। और चलिए तो आप लिख सकते हैं 0.6/F2 - 0.4/F2 = 0 - 0.4/30। किसी कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है, बच्चा वाला चीज है। अब ये बच्चा वाला भी तुम्हें नहीं समझ में आता है, तुम्हारा दुर्भाग्य है। 0.6 - 0.4 = -0.4/30। तो इसको जब घटाएंगे तो 0.2/F2 = -0.4/30, तो ये कट जाएगा दो बार में, तो आपके पास आ जाएगा 1/F2 = -2/30, ये भी कट जाएगा 15 बार में, तो लिख सकते हैं यहाँ पे -1/15। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो F2 = -15 सेंटीमीटर। हमारे प्यारे बच्चों, यानी F2 = -15 बता रहा है कि नेगेटिव फोकस लेंथ चाहिए, इसको आप लिख सकते हैं +15 सेंटीमीटर ऑफ कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस का ही फोकस दूरी नेगेटिव होता है। अगर आप यहाँ -15 लिख के छोड़ देते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं। और इसका F2 का डिस्पर्सिव पावर कितना होना चाहिए, ऑफ डिस्पर्सिव पावर कितना, 0.6। यानी अवतल लेंस जो लेना है वो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेना है, और उसका डिस्पर्सिव पावर 0.6 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, अब हमको F1 भी चाहिए, तो बच्चा वाला खेल है, फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं।
समीकरण फर्स्ट में F2 का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F2 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में F2 का मान रखोगे F1 निकल जाएगा और आपका निकल के आएगा F1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आएगा पॉजिटिव। कैसा आएगा ये पॉजिटिव? पॉजिटिव किसका होता है? अवतल का, इसलिए इसको लिख सकते हैं उत्तल का। F1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ऑफ कॉनवेक्स लेंस ऑफ डिसपर्सिव पावर कितने का? 0.4। तो आई होप आपको एकदम क्लियर क्लियर समझ में आ गया है। तो बच्चों अभी तक हम लोग एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस का कंडीशन पढ़ रहे हैं और एक्रोमेटिक कंडीशंस में कम से कम दो अपोजिट नेचर का लेंस चाहिए, नहीं तभी एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाएगा और लेंस में जो दोष है एवर्शन है वो दूर हो जाएगा। यह बात हम लोग जान रहे हैं अच्छी तरीका से। तो उसके लिए कंडीशंस हम लोग ने पढ़ लिया था कि जब दो लेंस सटा रहेगा तब उसकी कंडीशंस ये वाला आएगा, ओमेगा 1 बाय एफ वन प्लस ओमेगा 2 बाय एफ टू इज इक्वल टू 0। क्या सर दोनों लेंस को सटा के ही रखेंगे तभी एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस होगा? आंसर है नहीं, हटा के भी रखोगे तो फिर भी होगा, उसके लिए कुछ अलग कंडीशन होगा। अब हम उसी को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आई होप इसे समझ में आ गया क्लियर क्लियर। मैं मिटा देना चाहता हूं इसको। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग यह सब चीज पढ़ रहे हैं, सौभाग्य है आप लोग का। अब केस सेकंड व्हेन बोथ लेंसेस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। जब दोनों लेंसों को ए दूरी पर पृथक रखा जाए। तो बच्चों तो समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए ले लिया एक लेंस, यहाँ हो सकता है हमको लगता है नहीं चमक रहा है, एक लेंस है ये और दूसरा लेंस इस बार ए यहाँ लिया। ये अपर्चर इसका, ये भी इसका अपर्चर और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्वियसली है व्हाइट लाइट आया, ये मोड़ा, ये हल्का फैलाया, ये मोड़ा, ये हल्का फैलाया और यहाँ पहुँचाया। कुछ बच्चे सोचते हैं क्या सात रंग में नहीं बटा? बिल्कुल बटा, वायलेट को भी थोड़ा मोड़ा, ये भी थोड़ा मोड़ा, ये थोड़ा ज़्यादा, ये जितना इसको मोड़ा था फैलाया था ये थोड़ा ज़्यादा फैला देगा, ये भी थोड़ा ज़्यादा फैला दिया, मिलना है एक ही जगह तभी तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होगा। या रेड ये वायलेट, ये वायलेट या रेड, और ये फिर वाइट बना, ये भी वाइट बना इस तरह से। और यहाँ पर फोकस जो है एफ वाई ही आपका एफ इक्विवेलेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ में आ गया आ रहा है
दोनों के बीच के डिस्टेंस ए दूरी पर रखें। कितने दूरी पर रखें? ए दूरी पर रखें। तो चलते हैं एकदम, बहुत आसान है। जब दो लेंस को एक दूसरे से डी दूरी पर रखते थे तो याद करो फार्मूला होता था 1/इक्विवेलेंट लेंस इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 - d/f1 × f2। तो डी नहीं, यहाँ डिस्टेंस हम लोग ए दूरी पर रखे हैं। हमारे प्यारे खतरनाक मित्रों, इसको ऊपर करेंगे एफ ही इनवर्स, इसको भी ऊपर करेंगे f1 का इनवर्स, प्लस इसको भी ऊपर करेंगे f1 का f2 का इनवर्स, माइनस ए f1 ऊपर जाएगा -1, f2 ऊपर जाएगा -1, इस तरह से हो जाएगा। फिर इसी तरह दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर हिंदी ही लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इंक नहीं है, बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग है। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करने पर, आई होप ध्यान से देखिए, d/dx और एफ ही इनवर्स, d/dx f1 का इनवर्स, d/dx f2 का इनवर्स, माइनस ए, बच्चों जो रख दिए हैं जहाँ पर वहीं पर माने, इसलिए कांस्टेंट है, बाहर कर लें, d f1 इनवर्स इंटू f2 इनवर्स / dx। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर बच्चा वाला खेल खेलेंगे, इसको इसको लिख सकते हैं इस तरह से, d f ही इनवर्स, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, या एफ ही होना चाहिए तभी डिफ्रेंसिएशन होगा, इसलिए d f ही × d f ही / dx। फिर इसको भी उसी टाइप से d f1 इनवर्स / d f1 × d f1 इनवर्स df1/dx। फिर से चलेंगे प्लस df2 इनवर्स / df2 × df2/dx। माइनस था, माइनस दे दिए, बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा बड़ा बनेगा। ये तो कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, अंदर में क्या क्या है देखिए, ये u × v फॉर्म पर है, ये u है और ये v है। जिस बच्चे को नहीं आता है u × v का फॉर्म, देखिए अगर डिफ्रेंसिएशन है u × v के फॉर्म में, ठीक है, तो हम लोग इस तरह से करते हैं, d पहले v को रखते हैं u का डिफ्रेंसिएशन, प्लस u को रखते हैं v का डिफ्रेंसिएशन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, v को रखेंगे u का डिफ्रेंसिएशन, प्लस u को रखेंगे v का डिफ्रेंसिएशन। हम जानते हैं ये u × v के फॉर्म का ये फॉर्मूला होता है, डिफ्रेंसिएशन से एकदम हलवा है। तो चलिए, u मतलब ये है, v मतलब ये है, इसको रखेंगे, रखे इसका डिफ्रेंसिएशन df2 - 1/dx प्लस u को रखे, इस बार सॉरी v को रखना था ना, v को रखेंगे, v है f2 इनवर्स u का डिफ्रेंसिएशन, इस बार u को रखेंगे f1 इनवर्स v का डिफ्रेंसिएशन / dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप आपको क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। आप लोग को मैथ आता है, ये छोटी मोटी मैथ आता है। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, डायरेक्ट करें, चलो
नहीं लिख ही लो, इतना बड़ा होगा अब बड़ा होगा, इसलिए इसको फटाक से लिखो, पॉज करो लिखो। यहाँ चमक रहा होगा तो हम कोशिश कर रहे हैं ढकने का कोशिश कर रहे हैं, ढका जाएगा, लिख लीजिए। ओके इसको मिटा देते तभी हम भी हालत खराब हो जाता मेरा। चलिए अच्छी बात है, एक एक स्टेप करके चलते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं हम लोग। तो आगे लेके इसको चलेंगे, एन आगे आ जाएगा, -1 इंटू एफ ई पर पावर -1 इंटू -1, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, इंटू डी एफ ई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर चलेंगे -1 आगे आ जाएगा, डी एफ वन -1 इतना इंटू डी एफ वन बाय डी एक्स। इंशाल्लाह वो इक्वल टू है, चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक आ गए। प्लस है तो प्लस दिए, तब आएगा -1, तो प्लस बन जाएगा, प्लस है प्लस दिए तो -1, प्लस माइनस तब क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस आ जाएगा इधर, -1 एफ टू -1 इंटू यहाँ पर डी एफ टू बाई डी एक्स आ गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दिए, ए है तो ए दिए, ब्रैकेट है ब्रैकेट दिए, इस चीज को एफ टू इनवर्स, फिर यहाँ पर यहाँ एफ वन होनी चाहिए तभी फॉर्मूला लगेगा, फिर जैसे किए तो उसी तरह से करो, तो कर रहे हैं डी एफ वन -1 बाय डी एफ वन इंटू डी एफ वन बाय डी एक्स, ये कैंसिल ही हो जाएगा। प्लस फिर से आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे एफ वन इनवर्स, इसके लिए करेंगे अब डी एफ टू इनवर्स बाय डी एफ टू इंटू डी एफ टू बाय डी एक्स, इस तरह से। तो आगे इसके बाद बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ई पर पावर -2 इंटू डी एफ ई बाय डी एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ वन पर पावर -2 इंटू डी एफ वन बाय डी एक्स, माइनस एफ टू पर पावर -2 इंटू डी एफ टू बाय डी एक्स माइनस, हा, ए बाय डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, डी एक्स कॉमन आ गया, इसके अंदर बचा एफ टू -1 इंटू, इसको करेंगे तो -1 एफ वन पर पावर -1 इसके बदले इंटू ये बचा डी एफ वन प्लस एफ वन -1, इसको करेंगे डिफरेंशिएशन तो -1 एफ टू पर पावर -1 इंटू एक्स तो कॉमन आ गया डी एक्स डी एफ टू, हा। तो देखिए डी एक्स डी एक्स डी एक्स हर जगह है, कॉमन लेके ख़त्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और इस बार हम लिख सकते हैं डी एफ ई बाय
ये माइनस था, माइनस रहने दो, एफ ई, सॉरी एक स्टेप और बढ़ते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस वन बाय एफ ई का स्क्वायर, माइनस था पावर प्लस बन गया, इंटू डी एफ ई, सीधे सीधे लिखते हैं, या चलो डी एफ ई इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस वन बाय एफ वन का स्क्वायर और डी एफ वन, माइनस था माइनस दिए, यहाँ पर वन बाय डी एफ टू का स्क्वायर डी एफ टू, माइनस है माइनस दिए, ए था ए दिए, इसका देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं एफ टू मतलब वन बाय एफ टू, माइनस है तो नीचे एक पावर प्लस में, और इस जगह पर आप लिख सकते हैं माइनस, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आगे ले लिए, वन बाय एफ वन माइनस माइनस टू, नीचे आके प्लस टू, इंटू डी एफ वन प्लस माइनस माइनस, चलिए वन बाय एफ वन माइनस था नीचे आके प्लस, और ये माइनस टू हो जाएगा तो नीचे आके ये आ जाएगा वन बाय एफ टू का स्क्वायर इंटू डी एफ टू। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों समझदार है, हमें पता है कि हम किसी बकलोल को नहीं पढ़ा रहे हैं जिसे कुछ नहीं आता है, वो सब चीज़ को उस सब स्टूडेंट को ये सब चीज़ पढ़ाया ही नहीं जाता है। एफ ही का स्क्वायर इतना, ओके यहाँ पर चलेंगे तो माइनस डी एफ वन बाय एफ वन का स्क्वायर, फिर यहाँ पर चलेंगे डी एफ टू बाय एफ टू का स्क्वायर, माइनस ए था ए दिए, यहाँ पर चलेंगे तो माइनस वन बाय एफ टू, इस तरह से डी एफ वन बाय एफ टू इंटू डी एफ वन का स्क्वायर, फिर माइनस डी एफ टू बाय एफ वन एफ वन, एफ वन का स्क्वायर, यहाँ पर चलेंगे तो एफ वन, एफ टू है ये, एफ टू का स्क्वायर डी एफ टू, हाँ इस तरह से। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस सब जगह कॉमन लेके ख़त्म कर दिए, आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ भी माइनस है, 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 ख़त्म, ये रह जाएगा केवल, तो हम लिखेंगे डी एफ ई बाय एफ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ वन बाय एफ वन का स्क्वायर प्लस, सब प्लस बन जाएगा केवल ये छोड़ के। इतना अलजेब्रा आता है तुम लोग को, नहीं आता है तो मैथ कैसे पढ़ता है चला। तो यहाँ तक आ गया, इसको लिखेंगे डी एफ टू बाय एफ टू का स्क्वायर, और हक कौन दिया, कैसे मैट्रिक पास कर गया, ये सब नहीं आएगा तो कैसे तुमको इंटर में भेज दिया तो तुम क्यों पढ़ रहे हो इंटर, बैठ जाओ घर में, जैसे मैट्रिक पास किया था वैसे ही पास कर जाओगे। डी एफ वन एफ टू इंटू एफ वन का स्क्वायर प्लस डी एफ टू एफ वन इंटू एफ टू का स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आ गया, बट लेकिन आपको पता है ओमेगा बराबर डी एफ बाय एफ, डी एफ बाय एफ, ओके। अगर यदि हम एफ से यहाँ गुना कर दें, यहाँ भी कर सकते हैं, इसको एफ स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो
ये तो जानते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एफ से इसमें भाग दिए तो इधर भी देना पड़ेगा कि नहीं, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। यानी ओमेगा बाय एफ को डी एफ बाय ये लिख सकते हैं। तुम कॉपी मिलाओ, देखो ये सब चीज़ पढ़ा पाता है कौन टीचर, हल्का हल्का तो सब पढ़ाता है, भारी पढ़ाए तब तो है नहीं सिलेबस में, तो क्यों पढ़ा रहे हैं, बुड़बक है। हाँ ये मानते हैं, ये मानते हैं कि ये जेई तक, तो इंटर पढ़ना मतलब क्या होता है, खाली इंटर प्लस टू, वो तो ये शॉर्ट फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तुम देख रहे हो। एक दिन यानी एक महीना भी काफ़ी है इंटर पास करवाने के लिए बिहार बोर्ड, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए डी इतना है, तो इसको ओमेगा वन बाय इसको लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं एक बार, फिर ये कंडीशन लगाइए फॉर ए क्रोमेटिक मेटिक कॉम्बिनेशन, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस के लिए डी एफ इक्विवेलेंट जो है वो एकदम जीरो होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, एक ही होनी चाहिए सारे रंगों के लिए, जैसे उसमें भी यूज किया था। इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू आपके पास डी एफ वन बाय एफ वन का स्क्वायर प्लस डी एफ टू बाय एफ टू का स्क्वायर माइनस ए इंटू डी एफ वन बाय एफ टू इंटू एफ वन का स्क्वायर प्लस डी एफ टू बाय एफ वन इंटू एफ टू का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर क्लियर आ रहा है और आप इसे लिख लिए हैं, पॉज करके लिखो, हम मिटाते हैं इसको। तो चलिए इसको मिटाए आप लोग के सहमति से और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने मार्ग की ओर। तो हमारे प्यारे बच्चों, ये माइनस में तरह के प्लस हो सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सॉरी ए इंटू डी एफ वन बाय एफ टू इंटू एफ वन का स्क्वायर प्लस डी एफ टू बाय एफ वन इंटू एफ टू का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डी एफ वन बाय एफ वन का स्क्वायर प्लस डी एफ टू बाय एफ टू का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, बट ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग सीखे थे टी एफ बाय एफ। हमारे प्यारे बच्चों, एफ से मल्टीप्लाई कर दूँ इधर इधर ही स्क्वायर लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। डी एफ बाय एफ स्क्वायर को ओमेगा बाय एफ लिख सकते हैं। तो बस अब पुट करना है, इसलिए ए इज इक्वल टू देखो है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ वन है तो यहाँ ओमेगा वन, एफ वन ये एफ टू तो पहले का है और ये एफ वन ओमेगा यानी डी एफ बाय एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बाय एफ पुट किए हैं, चूंकि वन बाय वन है तो यहाँ भी वन लगा दी है। उसी तरह से हर जगह करेंगे, ओमेगा टू बाय यहाँ एफ वन पहले वाला है लिख दिए और इसका एफ टू। तो यहाँ पर अगर यदि करते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा। ओमेगा वन बाय एफ वन प्लस ओमेगा टू बाय एफ टू, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हा।
चलिए ए बाय एफ वन इंटू एफ टू कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू, दोनों में है कॉमन आ गया। खेल तो आसान है, एलसीएम ले लीजिए तो एफ वन इंटू एफ टू एलसीएम आ गया, तो क्या हो जाएगा एफ टू इंटू ओमेगा वन प्लस एफ वन इंटू ओमेगा टू। एकदम आसान है, भिन्न का जोड़ लिए बच्चों, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये एफ टू है कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एफ टू ओमेगा वन प्लस एफ वन ओमेगा टू बाय ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू। यही डिस्टेंस होनी चाहिए और ये फोकस होनी चाहिए। हमको लग रहा है लंबा क्लास चल रहा है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी हमें बताना था अभी, लेकिन अब कल बताएंगे। लेकिन इसके पर और एक कंडीशन लगता है, इफ़ ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा टू, अगर अगर दोनों लेंस जो यूज करेंगे दोनों का डिस्पर्सिव पावर सेम हो, यानी पहला भी अगर क्राउन ग्लास से बना है तो दूसरा भी क्राउन ग्लास से ही बने, लेकिन जब सटा के रखेंगे, जब सटा के रखेंगे तो पहला लेंस कुछ अलग मटेरियल से बनना चाहिए, अलग डिस्पर्सिव पावर होनी चाहिए, मतलब अलग मटेरियल का होनी चाहिए, दूसरा लेंस अलग मटेरियल का होनी चाहिए। लेकिन हटा के जब रखे हैं और एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस करना है, यानी लेंस का दोष जो है उसे दूर करना है, तो सटा कर भी रखेंगे तो कोई दिक्कत, हटा के भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और सेम मटेरियल भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बदले जब दोनों बराबर है तो उसके बदले ओमेगा कहा, से मतलब कहा, तब ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एफ टू ओमेगा प्लस एफ वन ओमेगा बाय ओमेगा प्लस ओमेगा। तो इस तरह से ए इज इक्वल टू ओमेगा कॉमन ले लिए, एफ टू प्लस एफ वन बाय ओमेगा ओमेगा टू ओमेगा, ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया। हमारे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा एफ वन प्लस एफ टू, जानते हैं हमको ये सब चीज पढ़ाने में डर लगता है, क्योंकि कुछ भगजोला जो है, कुछ लिटिल नॉलेज वाले टीचर इस फील्ड में आ गए हैं, जो कमज़ोर बच्चे की नस को जानते हैं, वो कितना समझता है उससे भी कम पढ़ा देता है, पैसा ले लेता है उतना ही, और उस बच्चे को लगता है कि ना फिजिक्स इतने सा है और हम ब्रिलियंट बन गए, या केमिस्ट्री इतने सा है या मैथ इतने सा है। ऐसा नहीं है बाबू, डिटेल्स जब पढ़ना है, डिटेल पढ़ेंगे तो ये सब चीज आएगा। जानते हैं ये अगर नहीं पढ़ोगे तो ये बिहार बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, तो वो मास्टर क्या करता होगा, इस चीज़ को रटवा देता होगा। अगर थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का ले लिया एग्ज़ाम, अगर पूछ दिया ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में, तब हवा गुम होगा कि नहीं। एक बार बच्चों सही से एग्ज़ाम लिया था, 28% रिजल्ट बना था 2016 या 2017 में, मात्र 28%, तो समझ सकते हो फर्स्ट डिवीज़न कितना किया होगा। तो वैसे स्थिति में मेरा स्टूडेंट्स अच्छा करता है, जब एग्ज़ाम ये हलवा पूछेगा तो सब तो नहीं पढ़ने वाला भी पास करता है अच्छा नंबर से। मेहनत कीजिए, और एक बात जान लीजिए, टीचर का जो दायित्व होता है, जो अच्छे टीचर का जो दायित्व है कि चीज़ें को क्लियर करके समझा देना, वह रिजल्ट आप पर डिपेंड करेगा, आप मेहनत कितना करते हो। जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट बनेगा, लेकिन फिजिक्स को समझाना, इंटरेस्ट दिलाना, ये टीचर पर भी डिपेंड करता है। समझेंगे नहीं तो याद नहीं ही होगा, यह गारंटी ही है, लेकिन जब समझ लेते हैं तो याद होगा यह गारंटी है, बशर्ते आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब क्या होगा,
आज समझ लिए शाम तक में 20% ही रहेगा, 80% गोल हो जाएगा। इसलिए रिवाइजिंग करना है, सफलता का मूल मंत्र है मेहनत, मेहनत ही सफलता का राज है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, आई होप आप मेरी भावना को समझ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू।